गाइस वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके दांत पीले हैं, उन पे प्लाक है या टार जमा हुआ है, तो आप उसको कैसे हटा सकते हैं यूजिंग होम रेमेडीज घर में कुछ घरेलू नुस्खों के साथ। तो आप देख सकते हैं ऐसे कि मेरे टेबल पे हैं ये कुछ अखरोट हैं, कुछ अखरोट के शेल हैं और ये मैंने अखरोट को क्रश किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अखरोट है और कुछ नहीं है, क्योंकि अखरोट बहुत ही अच्छा स्ट्रेन रिमूवर है और इसके अंदर बहुत ही अच्छे जर्म किलर्स और आप कहें कि आपके दांतों को टाइट करने वाले बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम इसको यूज़ करेंगे अपने पेस्ट के ऊपर। बेसिकली आपके पास कोई भी जो आप घर में पेस्ट यूज़ कर सकते हैं या ब्रश है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पेस्ट हो आप पेस्ट लीजिए, उसके ऊपर इस पाउडर को लगाइए और आप ब्रश कर सकते हैं। अगर आपको ये पाउडर ऐसे यूज़ नहीं करना है तो इसका एक दूसरा तरीका है, आप इस पाउडर को लीजिए, पानी लीजिए थोड़ा एक आधा कप, उसमें इसको उबालिए और उसका आप जो है वो बना सकते हैं, पानी में उबाल कर इसका जो वो काढ़ा बनेगा उस काढ़े को आप यूज़ कर सकते हैं, उसको ब्रश के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि आपके दांत अच्छे रहेंगे और चमकते रहेंगे। आप इसको ट्राई कीजिए, एक हफ्ते में आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। ये बहुत ही आसान है, कुछ इसमें ज़्यादा करना नहीं है, तो आप इसको घर में बना सकते हैं, यूज़ कीजिए। आपका चाहे आपका पेस्ट कोई भी हो, आपको कोई महंगा पेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेस्ट हो अच्छे से ये काम करेगा, आप इसको यूज़ कीजिए और लेट मी नो, आपके कमेंट्स इसमें बताइए इसके बारे में और इस नुस्खे को यूज़ कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।